100 हम भी तो लाख रुपए हार गए। हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, स्वागत है आप सबका नए व्लॉग में। और आवाज देख के शायद चकल देख के पता लग रहा हो कि नॉट इन अ गुड मूड, बहुत ज्यादा मूड खराब है। मतलब फिलहाल पिछले 24 घंटे ऐसे गए हैं जो शायद इस साल के अब तक के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट या बुरे दिन है। कई बार होता है ना, एक दो चीज़ें खराब होने लगती हैं आपके साथ, फिर बैक टू बैक कई चीज़ें होती चली जाती हैं, तो वो रहा। इससे पहले व्लॉग क्या बना था मेरे भी समझ में नहीं आया। इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग हो ही चुकी है, 6 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ। और इन सारी उसके परेशानियों के बीच में, मतलब गाड़ी भी वर्कशॉप पे खड़ी गई थी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, उसका भी काफ़ी लंबा चौड़ा बिल बन के आया है। तो चेरी ऑन द केक हो गया कि बाकी मुसीबतें तो थी मूड ख़राब करने के लिए कि ये चीज़ और हो गई। बैठा था बस ऐसे ही, रात को ही मैं बहुत लेट सोया, रात को नहीं सोया था मैं, आई स्लेप्ट इन द मॉर्निंग 7:30। सोचा था व्लॉग बना लूँ लेकिन व्लॉग बना के क्या ही बोलता, क्या इसी खिड़की के आगे खड़ा था, यहीं खड़ा था और पूरा सनराइज़ हो चुका था, 7:30 बजे मैं सोया था, उठ गया था फिर, मतलब 2-4 घंटे की नींद ली। 8-10 दिन से मतलब ढंग से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, चीज़ें परेशान कर रही हैं। और ऐसा फेस सबके टाइम, ऐसा टाइम का फेस सबके लाइफ में आता है। ऐसा कुछ है, कुछ पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ ऐसा बैड इंसिडेंट हो गया हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सम अप होके और एक साथ बहुत प्रेशराइज कर रही हैं, तो गोइंग फ्रॉम द टफ टाइम। और पता नहीं व्हाट एल्स टू से, बट अगर आपके भी ऐसे किसी सर्कल में ऐसे कोई आदमी परेशान हो तो स्टे विद देम, बी देयर स्ट्रेंथ, सहारा दो उनको, साथ दो, बात करो, समझो। मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं, मेरे परिवार भी मेरे साथ है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, बेचारा हूँ, लाचार हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट कि अब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट, लाइफ है। वही था ना कि अगर सब कुछ अच्छा अच्छा होता गया, आप जैसा सोचो वैसा ही होता जाए, तो फिर ज़िंदगी और ख्वाब में फ़र्क कुछ भी नहीं बचेगा और लाइफ का मज़ा ख़राब हो जाएगा। आज पटवारी का था, फर्स्ट डे इन न्यू ऑफिस, न्यू सिटी, न्यू कंपनी, और जो मिलते हैं उसे पार्टी वार्टी मांगता हूँ। और तो भाई पटवारी साहब तो आ गए थे। अच्छा, ओ कॉफ़ी का डब्बा आ गया क्या? रुक जाओ, इतनी जल्दी हो रही है ऑफिस के कॉल की है? तो पटवारी साहब तो आ गए थे लेकिन किसी डिस्कशन के चलते हमने वो गाड़ी वाला काम अभी किया नहीं है, मतलब सुबह के लिए वो पोस्टपोन हो गया। कॉफ़ी पी के और लंबी वार्तालाप करके आए क्योंकि 8 बजे भाई की अंग्रेजों के साथ वो है वीडियो कॉल, बहुत जरूरी। और अभी 8:57 हुए एयरपोर्ट, 59 हो गए ओबीडियंट, जब तो हमारी नौकरी ना लग गई, तो हम टिक ना पाए, अब टाइम के पक्के नहीं है ना। तो बोला भाई बाद में करेंगे गाड़ी वाड़ी सब काम, पहले फ्लैट पर लेके चल, मेरा वाईफाई से कनेक्ट कर रहा, मेरी कॉल है, ठीक है भाई कॉल कर ले। बाकी फ़ोन पे डिस्कशन हुआ है गाड़ी का, मिले भी हैं ऐसे मैकेनिक से, इंजीनियर से बेसिकली। तो गाड़ी में आ गया गाइस मोटा बिल, 1 लाख रुपए का। कितना? 1 लाख। तुमको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूँ ना, मजाक नहीं कर रहा, दिखाऊंगा। क्या पागल हो क्या? नहीं पागल तो नहीं हूँ। तो बंद क्यों नहीं करा, लॉक क्यों नहीं कर रखा है, बता। मेरे लॉक के अब लॉक करने में डर लगता है। अब सब देखेंगे। की बात भाई, क्या दड़ी स्ट्रॉबेरी खाओगा? भैया अभी तो आई है। हाँ तो इतनी? हाँ। ये कब बवा होएगा? बवा आप अब बवे हो गए हो। निकल रही है दीवार से लग के बैठ जाती है, खड़े खड़े निकल क्या दीवार से लग के निकल बैठ जाता, खड़े खड़े निकल भी नहीं पहनी जाता सारा लेके निकल पहन। आ जा, आ जा बाहर, आ जा एक्सपोज कर दिया। आ दो गंदी, फिर एक और गंदी हरकत, देखिए कोई अच्छी बात है तो आप ये मेरी ऐसे वीडियो बनाए, अच्छी बात है तो लॉक क्यों नहीं कर रखा? मैं तो नॉर्मली आया था वॉशरूम यूज करने, मुझे क्या पता तू बैठा है अपना क्या? जच के। तो फिर
फोन क्यों उठाया पहले? मेरा तो फोन ऑन था, मेरा तो ऑन रहता है, मैं सब व्लॉगिंग करता हूँ। सही बताऊँ, सब लोग सुन लो, पहले आए थे, मैं मजाक उड़ाया तसल्ली से बैठ के, फिर आए वेलकम बैक टू द व्लॉग, गेट खोला जानबूझ के, स्क्रिप्ट रटी गई है, मैं बाथरूम में था, इस बात का फायदा उठाऊं। डालोगे व्लॉग में है? आप डालोगे व्लॉग में? डालूंगा 200%। अरे नहीं, जो तूने अभी लाओ भाई, लाओ, खाना आ गया हमारा। बहुत शातिर हूं, क्या करें, चालाक लोग, व्यूज के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा मैं, कुछ भी, कुछ भी। हाँ जो मैं देखियो, आप उसका टाइटल आएगा सेलिंग वासु फॉर रुपीस 100। हम्म, भैया बताओ, आप व्यूज के लिए कुछ भी करोगे? तेरे को एक्सपोज तो करूंगा ही। देखो ये जो चिकन है ना, चिकन है ही नहीं, दाल है, जो भी है दाल है ना, अपने मुंह पे से आराम से लगाओ, और जब तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते लगा के रखो। तेरे कैसी बात करने लग गया यार, ये मिलियन तो होते ही आपके 4 करोड़ व्यूज आएंगे। तू तो यार कति दिन पे दिन बावड़ो होते जा रहे हो, साइड में हुआ ना पिल्ले, बड़े हो गए, बी को बात करने संगत तो भाई ये करने लग गया, सीख गया उनसे पिल्लो। और आज तक चलो चलो ठीक है, बाय गाइस। ऑफिस की कॉल तो होगी भैया जी की खत्म, लेकिन भैया जी ने ना अपनी फेवरेट टीम पे कुछ ज्यादा ही भरोसा दिखा दिया हमारे सामने, हवाबाजी दिखा गए, क्योंकि मुंबई इंडियंस भैया की फेवरेट रही है ना टूर्नामेंट शुरू होने से भी पहले से ही। तो लाइक ए बॉस यहाँ पे बैठे हैं और सामने मुंबई इंडियंस हार रही है। 4 ओवरों में कितने चाहिए? 60, ऑलमोस्ट 59 रन चाहिए, पर आप 60 रन मान के चलो हार की कगार पे, इतने से इतने से। मुझे तो कुछ कहना चाहोगे? जीतेगी है, जीतेगी मुंबई, ना जीती तो KKR अंदर आ जाएगी, ये भी फायदा है, ये भी अच्छी बात है। कितना बड़ा ज्ञान दिया, अच्छा आपने। बेइज्जती, बेइज्जती तो शुरू से ही करवा रहे हैं। कौन? मुंबई वाले पहले दिन से। नीता, यू मीन टू से नीता और आकाश? नहीं नहीं, मुझे भाई आई मैच में ग्राउंड में आ जाए हैं और इतने विकेट ले हुए थे ना, जब तो न्यू कर रही थी, रन ना बनती तो पाइया भी। खिलाड़ी देखे आपने? खिलाड़ी है, हारे हुए खिलाड़ी देखे कैसे होते, ये होते हारे हुए खिलाड़ी। हाँ जी भैया, पोलार्ड की काली शक्तियों का क्या हुआ वो बताओ जरा। बेकार टीम है मुंबई है। कप जीतेगी, कप जीतेगी कौन सी टीम? मुंबई इंडियंस। इस बार इनका पंडित जवाब देगा। पंडित कौन? इनके पास पंडित है ना, ओह रोहित शर्मा। रोहित शर्मा नहीं यार, नीता अंबानी का पर्सनल पंडित है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो नाम नुम जपते रहे हैं भाई ना, जब जो मुंबई ने इस बार मतलब किया है ना, वो क्रिकेट की सोच समझ से मतलब कुछ भारी कर दिया हर तरीके से, मैच हार चुकी हर तरीके से, पर चलो हमको क्या है, हम तो खुद ही हारे हुए हैं, कितने लाख रुपए की सफारी का बिल आ गया ना, हम भी तो लाख रुपए हार गए। तो मुंबई वाले तो हार के भी जीत रहे हैं, लेकिन आप और हमारे जैसे लोग हारते हैं जो इनके सामने बैठ के टीवी देखते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, कुछ लोग पैसे भी लगाते हैं, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हैं, तो हारते सिर्फ देखने वाले हैं, खेलने वाले तो जीत रहे हैं भाई, और उसके अलावा ज़िंदगी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी बिल्कुल बहुत ही गंदा डिप्रेसिंग दिन था। व्लॉग यहीं ख़त्म, कल मिलते हैं, बाय बाय।